अभी जो आपने वीडियो देखा, इस तरह का वीडियो इंस्टाग्राम पर काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, और आप इस तरह की वीडियो कैसे बना सकते हैं, चलिए आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको एक जंगल वाला एक इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा और एक कबूतर का PNG डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हमको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा, तो चलिए करते हैं हम क्रोम ब्राउज़र ओपन। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, तो यहाँ पर हमको सर्च करना है, सर्च हमको करना है ताहिर एडिट्स। ये देखिए इस तरह का सर्च करने के बाद हमको गो कर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जो हमारे सामने कुछ इस तरह की एप्लीकेशन आएगी, यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर की, ये जो दूसरे नंबर की वेबसाइट है इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो हमको सबसे पहले नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये देखिए यहाँ पर हमको मिलेगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और हमको यहाँ पर टैप करना है। एक बार टैप करने के बाद ये देखिए हमारे सामने ये जो ऐड आएंगे इसको कर देंगे स्किप, और स्किप करने के बाद हमको थोड़ा नीचे करना है, और नीचे करने के बाद हमको यहाँ पर सारा मटेरियल मिल जाएगा आपको जो जो भी डाउनलोड करना है। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे जंगल वाले इमेज आ चुके हैं, जंगल वाले इमेज को कोई डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आपको एक फॉन्ट मिलता है जिसका नाम है उर्बन जंगल, तो हमको सिंपल यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर टैप करके यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद एक कबूतर का PNG है, इसको भी हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद हमको बैक आना है। बैक आने के बाद अब करना क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर अपना VPN कनेक्ट कर लेना है, तो चलिए हम यहाँ पर सिक्योर VPN कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस हमारा जो VPN है यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं बैक, और बैक आने के बाद यहाँ पर जो एप्लीकेशन है यानी कि कैपकट ऐप है उसको ओपन करेंगे। अपने कैपकट ऐप को ओपन करने के बाद ये देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, तो यहाँ पर जो प्लस का आइकन है इस पर एक बार टैप करेंगे, और टैप करने के बाद वो वाला फॉन्ट ले लेंगे यानी कि फ़ोटो ले लेंगे, जौन सा फ़ोटो को हमने यहाँ पर डाउनलोड किया। तो चलिए मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। लेने के बाद यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है, यहाँ पर टैप करेंगे, और टैप करने के बाद कुछ इस तरह का हमारे सामने कुछ इंटरफेस आ जाएगा। और आने के बाद हमको थोड़ा साइड में करना है, और साइड में करने के बाद तो यहाँ पर आपको दिखता है रेटियो पर क्लिक कर लेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखता है 9:16 रेशो, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक करने के बाद तो उसके बाद हमारी आती है यहाँ पर एंड स्क्रीन, इसको कर देंगे पहले रिमूव। डिलीट करने के बाद यहाँ पर जो इसको ड्यूरेशन है यानी कि जो इसकी लेंथ है इसको कर देंगे हम यहाँ से 15 सेकेंड यानी कि 15 सेकेंड, तो इसको 15 सेकेंड पर कर लेते हैं हमको एडजस्ट। करने के बाद ये देखिए 15 सेकेंड का करने के बाद हमको करना क्या होगा, हमको यहाँ पर फॉन्ट लिखना है यानी कि अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। तो यहाँ पर नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये देखिए टैक्स का ऑप्शन है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐड टैक्स, यहाँ पर सिंपली टैप करेंगे अपना जो आपका नाम है वो लिख रहे हैं। चलिए हम अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ SONU KING 05। इस तरह का लिखने के बाद हमारे सामने क्या आता है, हमारे सामने इस तरह का आता है, तो हमको यहाँ पर फॉन्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। और यहाँ पर ये जो बहुत सारे फॉन्ट है इनमें आपको वाला फॉन्ट नहीं मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ पर क्या ऑप्शन दिख रहा है ऐड फॉन्ट, इस पर एक बार टैप करेंगे। ये देखिए मेरे सामने जंगल वाला फॉन्ट है ये ऐड होया हुआ है, तो हमको अगर ऐड करना है तो यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर टैप करेंगे और अपनी फाइल को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए हमको जाना कहाँ होगा, सबसे पहले हम यहाँ से बैक आएंगे, और बैक आने के बाद हमको अपने फाइल ओपन करना है। फाइल ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, और जौन सी फाइल हमने अभी डाउनलोड किया है यानी कि फॉन्ट जौन सा डाउनलोड किया है उसको हमारे सामने कुछ इस तरह का आएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ पर सर्च करेंगे अपना जंगल, ये देखिए जंगल वाले हमारे सामने कुछ इस तरह का आ चुका है, तो हम सिंपल इस पर टैप करेंगे और यहाँ पर टैप करेंगे, और टैप करने के बाद ये देखिए हमारा सिंपल यहाँ पर ऐड होया हुआ है, तो मेरा आ गया। तो सिंपली टैप होने के बाद ये देखिए हम इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से जहाँ से हमको लगाना है यानी कि, तो मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ तो मैं इतना कर लेता हूँ। उसके बाद करना क्या होगा हमको, यहाँ से आपको स्टाइल वाले ऑप्शन में आना है। स्टाइल वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्पेसिंग वाले ऑप्शन में जाना है, और सिंपल इसको कैरेक्टर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे यानी कुछ इस तरीके से अपने हिसाब से जहाँ से आपको अच्छा लगे। इस तरीके से करने के बाद यहाँ से सिंपली राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद इस वाले जो फॉन्ट को आप फोटो के हिसाब से फोटो के जितना कर लीजिए। देखिए इस तरह करने के बाद ये देखिए हमारी जो वीडियो है कुछ इस तरह की बनी हुई है। इतना करने के बाद हमको सिंपल यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना है। सबसे पहले एक्सपोर्ट होने के बाद ये देखिए तो हमारे सामने वीडियो हमारी सेव हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर डन का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर जाएंगे दोबारा से, और वो वाली वीडियो ले लेंगे जो सी वीडियो हमने अभी सेव की है। तो ये रही वीडियो, उसके बाद ऐड वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, और ये देखिए इस तरह का आ चुकी है।
उसके बाद करना क्या होगा, हमको इसमें सबसे पहले यहाँ से जो एंड स्क्रीन है इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हमको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है ऐड ऑडियो को, इस पर एक बार टैप करेंगे और अपनी वो वाली ऑडियो सेलेक्ट करनी है इसमें, जो सी वीडियो इंस्टाग्राम पर काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर एक बार टैप करेंगे और वो वाली वीडियो ले लेंगे जो सी वीडियो ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो चलिए मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं कर लेता हूँ, ये देखिए गाइस ये वाली वीडियो है। चलिए मैं मेरी वीडियो यहाँ पर आ चुकी है और मैं जो उसका साउंड है वो शुरू में ला कर रख दूँगा। तो उसके बाद हमको यहाँ पर कट लगाने का एनिमेशन लगानी है इसके अंदर। तो अभी देखिए हमारी वीडियो कुछ सिंपल है बिल्कुल, ये देखिए मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस अभी जो आपने वीडियो देखी अभी फिलहाल बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले हमको इसके वीडियो के अंदर कट लगाने हैं, जहाँ जहाँ पर बीट ऊपर हो रही है हमको वहाँ पर कट लगाने हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर बीट ऊपर हो रही है, तो एक कट लगाएंगे हम यहाँ से अपनी वीडियो में। कट लगाने के बाद एक कट लगाएंगे हम यहाँ से और एक कट लगाएंगे यहाँ पर, जहाँ जहाँ पर बीट ऊपर हो रही है वहाँ पर एक कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद थोड़ा आगे आ जाएंगे, फिर यहाँ पर कट लगाएंगे, ये देखिए। तो आप भी अब इस तरह से अपनी वीडियो के अंदर कट लगा सकते हैं, ये देखिए कट लगाएंगे फिर एक और कट लगाएंगे। उसके बाद करना क्या होगा, हमको अपनी वीडियो को दोनों तरफ से पकड़ के इस तरह से जूम कर लेनी होगी। जूम करने के बाद हमको सबसे शुरू में आना है और कौन सा एनिमेशन लगाना है ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले करना होगा, फिर अपनी वीडियो के ऊपर टैप करेंगे और टैप करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एनिमेशन का ऑप्शन, इस पर एक बार सिंपली टैप करेंगे और इस साइड में जाएंगे और साइड में जाने के बाद रोक वर्टिकल इस नाम से एक एनिमेशन है, तो सिंपल इस पर एक बार टैप करके लगा देंगे। ये देखिए तो राइट क्लिक कर देंगे, ये देखिए फिर देखिए कैसा लग गया, ये देखिए गाइस। तो लगने के बाद नेक्स्ट उस पाते हैं और ये वाला एनिमेशन लगा देंगे हम फिर दोबारा से, ये देखिए रोक वर्टिकल वाला, ये देखिए सारी क्लिप पर आपने यही वाला लगा देंगे। जल्दी जल्दी लगा देते हैं हम, ये देखिए गाइस हमने सारी क्लिप पर एनिमेशन लगा दिए हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एनिमेशन लगे हैं, ये देखिए एक बार फिर। ये देखिए गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह के एनिमेशन लग चुके हैं। और शुरू में अब हमको क्या करना है, एक हेलो इफेक्ट लगाना है, यानी कि ब्लर वाला इफेक्ट लगाना है। ये कैसे लगाएंगे, सिंपली शुरू में आएंगे और शुरू में आने के बाद यहाँ पर आपको साइड में जाना है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इफेक्ट वाला ऑप्शन, सिंपल इस पर एक बार टैप करेंगे और टैप करने के बाद यहाँ पर वीडियो इफेक्ट में जाएंगे और ऊपर करेंगे ट्रेंडिंग में, आपको यहाँ पर मिल जाएगा हालो ब्लर का ऑप्शन। ये देखा ये रहा, तो सिंपल इस पर टैप करेंगे और ये देखिए राइट क्लिक कर देंगे और जहाँ तक हमको हालो ब्लर रखना है हम सिंपली वहाँ तक इसको खींच कर रख देंगे, यानी कि हमको देखिए यहाँ तक रखना है। ये देखिए अभी थोड़े से और आगे जाएंगे, यहाँ तक रखने के बाद तो सिंपली हमको यहाँ पर देखिए लग चुका है। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको हालो ब्लर कैसा लगा हमारा। अगर इस यहाँ पर देखिए कितना लंबा हो रहा है, अगर इसके बीच में भी आपको कोई एनिमेशन लगाना है तो सिंपली हमको क्या करना होगा, यहाँ पर एक बार टैप करेंगे वीडियो के ऊपर और यहाँ पर कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद यहाँ पर ये देखिए एनिमेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपको कोई सा भी एनिमेशन लगा सकते हैं जो सा आपको अच्छा लगता है। तो सिंपली चाहे तो आप जूम वाला लगा सकते हैं, जूम इन वाला लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, देखिए कोई सा भी लगा सकते हैं। यहाँ पर टैप सिंपल टैप करेंगे एक बार और आगे जाएंगे और यहाँ पर भी एक कट लगाएंगे और फिर दोबारा से एनिमेशन लगाएंगे और फिर दोबारा से आपकी बार हमको करना क्या है, जूम ये वाला लगा देंगे, ये देखिए और राइट क्लिक करके, ये देखिए कितनी मस्त वीडियो बन गई है हमारी। तो हमारी वीडियो कंप्लीट बन चुकी है। अब मैं आपको लास्ट बार दिखाता हूँ कि हमारी वीडियो कैसी बनी। ये देखिए गाइस तो सिंपली हमारी वीडियो बन चुकी है। उसके बाद करना क्या होगा, जहाँ तक हमारा साउंड है वहाँ तक हम अपनी वीडियो को रखेंगे और रखने के बाद बाकी का पार्ट डिलीट कर देंगे। तो सिंपल यहाँ पर आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाना है और डाउनलोड कर लेंगे अपनी वीडियो को। और दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।